यूपी में ओडीओपी योजना से लोगों को अच्छा खासा फायदा हो रहा है। औरैया का देशी घी और दूध के लिए चयन हुआ था, जिसका व्यापारियों के साथ किसानों को भी फायदा हो रहा है, क्योंकि पहले औरैया की मंडियों में व्यापारियों को धक्के खाने पड़ते थे, लेकिन अब नहीं, व्यापार के लिए सरकार की ओर से मदद दी जा रही है। ये रिपोर्ट देखिए। सरकार ने जो भी योजना बढ़ाई थी उसके लिए मैं उनको धन्यवाद करता हूँ, सराहना करता हूँ कि मुझे अनुदान का लाभ मिला। हमारे औरैया में नंबर 1 पे चल रहा है। यूपी की योगी सरकार ने पारंपरिक शिल्प एवं लघु उद्यमों को संरक्षण देने और योजना द्वारा अधिक से अधिक रोजगार सृजित करने के साथ लोगों की आय में बढ़ोतरी करने के लिए ओडीओपी योजना को लॉन्च किया, जिससे प्रदेश के हर जिले की पहचान वहां का एक उत्पाद होगा और जिले में ही लोगों को रोजगार मिलेगा। इसके साथ ही लोगों को गृह जनपदों से रोजगार के लिए पलायन नहीं करना पड़ेगा। ओडीओपी योजना से हद तक लोगों को राहत मिली और लोगों ने अपने जिले के पारंपरिक उद्योग पर जोर दिया। अब इसका फायदा भी दिख रहा है, क्योंकि औरैया का घी और दूध मशहूर है। ओडीओपी योजना लागू होने के बाद औरैया के लोगों को अच्छा लाभ मिल रहा है, क्योंकि अब उनको दूध का उचित लाभ मिल रहा है और मंडियों में उनके बनाए घी को नई पहचान मिल रही है। दूध से जो भी क्रीम निकलती है उसका भी ओडीओपी के तहत लाभ मिल रहा है। मैं कहना चाहता हूँ, सरकार ने जो भी योजना बढ़ाई थी उसके लिए मैं उनको धन्यवाद करता हूँ, सराहना करता हूँ कि मुझे अनुदान का लाभ मिला। जनपद औरैया को एक जनपद एक उत्पाद के लिए घी के उत्पादन के लिए नॉमिनेट किया गया है, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे घी के लिए और जनपद औरैया पर? घी हमारे औरैया में नंबर 1 पे चल रहा है। ये जनपद का घी भाई साहब सबसे बेस्ट मिलता है, नंबर 1 पे जाता है। कहीं भी आप किसी भी डिस्ट्रिक्ट में जाएंगे तो औरैया जिला का नाम आएगा घी के मामले में। औरैया जिला का घी की मुख्य व्यवसाय है, घी का व्यापार करते हैं, तो क्या लगता है आपको घी को लेकर क्या कहना चाहेंगे? घी औरैया के मुकाबले तो कहीं मिलता नहीं है, औरैया जिला में सबसे बेस्ट घी मिलता है। औरैया की मंडियों से कई जिलों में घी की सप्लाई होती है, इसके लिए सुगम बनाने का काम ओडीओपी से हो रहा है, क्योंकि जब से ये योजना लागू हुई है तब से पशुओं का पालन करने वाले किसानों को दूध और घी का सही दाम मिल रहा है। मंडियां भी खूब फल फूल रही हैं, घी और दूध के कारोबारी ओडीओपी से लाभान्वित हो रहे हैं। व्यापारियों ने बताया कि ओडीओपी योजना लॉन्च होने से उनकी आय में वृद्धि हुई है। इसके साथ ये भी बताया कि औरैया का घी बाहर की मंडियों में सबसे पहले और सबसे महंगा बिकता है। ये तो सरकार की बहुत अच्छी पहल है, औरैया का देसी घी आज से काफ़ी समय पहले औरैया देसी घी और गल्ला की मंडी रहा है, और औरैया के घी की खुशबू पूरे देश में फेमस है और पूरे देश में औरैया का देसी घी मशहूर है। इसके लिए सरकार ने जो काम किया है इसके लिए सरकार को बहुत बहुत बधाई। जिलेवासियों ने भी योगी सरकार की ओडीओपी योजना की जमकर सराहना की और बताया कि इससे जनपद की अलग पहचान तो बन ही रही है, साथ ही लोगों को घर पर ही रोजगार सृजित हुआ है। किसानों और पशुपालन करने वालों ने बताया कि अब उनको उनके दूध का उचित दाम मिलने लगा है, क्योंकि औरैया का घी अब बाहर की मंडियों में अच्छे दामों में बिक रहा है। बहुत अच्छा रहा। आप ये जो भैंसों और गायों को रखे हुए हैं, दूध का व्यापार कर रहे हैं, तो दूध की कीमतों में क्या कहेंगे? हाँ, अच्छे रेट पर दूध जाता है और दूध का उत्पादन भी अच्छा हो रहा है। तो आप जो व्यापार किए हैं इसमें सरकार द्वारा कोई सहायता वगैरह? पहले सहायता थी, अभी तक सहायता ही रही था। अच्छा जी, और सर क्या कहना चाहेंगे? जी, और DM साहब ने प्रसिद्ध पत्र दिया था दूध उत्पादन का। औरैया जिले में इस वित्तीय वर्ष में 11 लोगों के द्वारा घी से जुड़े उत्पादन के लिए कई बैंकों ने कर्ज भी उपलब्ध कराए हैं और अनुदान देकर ओडीओपी योजना से लाभान्वित करते हुए रोजगार उपलब्ध कराए गए हैं। जिलाधिकारी औरैया PC श्रीवास्तव के मुताबिक ओडीओपी योजना से जनपद में घी से जुड़े उत्पाद को बढ़ावा देने के लिए उद्यमी बंधुओं की बैठक कर लोगों को योजना की विस्तृत जानकारी देकर जोड़ने का काम किया जा रहा है। इसके साथ ही सरकार जो सब्सिडी देती है उसके बारे में भी लोगों को विशेष रूप से बताया जा रहा है। इसके साथ ही सरकार के द्वारा ओडीओपी योजना से जुड़े उद्यमियों को समूह में स्थापित उद्योगों के अवस्थापना में सहयोग किया जाता है, साथ ही ओडीओपी योजना से जुड़े ब्रांड को बिक्री आदि में परेशानी होने पर इसका निदान किया जाता है। लेकिन
घी यानी कि दूध मिल्क प्रोडक्ट का प्रोडक्शन जो है इस क्षेत्र में शुरू से रहा है। इसको देखते हुए ODOP में वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट में इस जनपद से घी का चयन हुआ है, देशी घी का। तो इससे संबंधित जो इंडस्ट्री लगाना चाहते हैं या उसका व्यवसाय करते हैं उनको प्रायोरिटी मिलती है। अगर वो उसके लिए बैंक से लोन लेते हैं तो वो भी 2 करोड़ तक ले सकते हैं, उसमें हम 20 लाख की सब्सिडी गवर्नमेंट देती है, और 2 से कम लेते हैं तो 25% तक, जो भी उनकी प्रोजेक्ट कास्ट होगी उसका 25% सब्सिडी दी जाती है। इसके अलावा इसके प्रचार प्रसार के लिए कहीं भी प्रदर्शनी, जैसे इस समय हमारा प्रगति मैदान दिल्ली में हमारा काउंटर लगा हुआ है हमारे जनपद का, जिसमें देशी घी लेगा, उस प्रदर्शनी को लगाने में इंस्टॉलेशन के जो खर्च होते हैं वो गवर्नमेंट बियर करती है। इसके अलावा इस साल से एक और सुविधा दी जा रही है, अगर ये क्लब होकर के एक संकुल में कहीं अपना 2-3 बिजनेसमैन या इंडस्ट्रियलिस्ट अपना लगाएंगे तो वहाँ अवस्थापना सुविधा ने इंफ्रास्ट्रक्चर गवर्नमेंट लगाएगी अपनी तरफ से। उद्योग बंधु की हम लोग बैठक करते हैं जिनमें इनको प्रायोरिटी दी जाती है। अगर इनको किसी भी तरह के उद्योग के लगाने में, व्यवसाय में, बिजनेस में, अपना सामान बिक्री करने में कोई भी प्रॉब्लम आती है तो जनपद के समस्त अधिकारी उस मीटिंग में आते हैं और प्रायोरिटी पर इनकी समस्याएं हल की जाती है। तो हमारा घी का प्रोडक्ट बहुत पॉपुलर है, तो हम कोशिश ये कर रहे हैं कि इसकी थोड़ी सी ब्रांडिंग हो, क्योंकि कोई एक स्पेसिफिक ब्रांड अपने औरैया जनपद का नहीं, हर इंडस्ट्रीज अपना एक अलग ब्रांड से, कोई स्वास्तिक ब्रांड से, कोई कुछ से, तो कुछ कोशिश की जाएगी कि एक ब्रांड हो जिससे औरैया का पूरा घी जाना जाए कि हाँ ये ब्रांड मीन्स औरैया का घी, ताकि पॉपुलर हो जाए देश विदेश में। बहरहाल जब से औरैया का घी और दूध को लेकर ODOP में चयन हुआ तब से औरैया निखर रहा है, युवाओं को रोजगार मिल रहा है, क्योंकि घी के मंडी में व्यापारियों को लाभ भी हो रहा है। योगी सरकार का सपना है कि सूबे की इकोनॉमी को 1 ट्रिलियन करने का, तो सपना ODOP के तहत ही साकार होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, नेटवर्क 10।